हेलो बच्चा लो, कल आप लोगों को जो टेंसेस के 20 क्वेश्चंस दिए गए थे, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन समझेंगे। एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ टेक अ पेन एंड अ पेपर। अगर संभव हो, संभव नहीं, आप अपने पास एक पेन एंड पेपर रखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको जो है वो नोट करते जाइएगा, ताकि वो जो है आपको आगे जो है क्वेश्चंस को समझने में और एक तरह से कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प कर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, कह रहा है कि आज जो है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, वैसे आप बच्चों को पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना होता है कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जो है वो एवरी के द्वारा जुड़े हुए हों और बीच में अगर एंड भी आया तब भी हमारा जो है वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है। और रहा सवाल टेंसेस का, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है टुडे, इट मीन्स दैट इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस, स्पेशली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसी में ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। टुडे हो गया, ऑलवेज हो गया, रेगुलरली हो गया, सेल्डम, ऑफन, ये सब होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाई द नेक्स्ट मंथ वी सेल ब्लैंक द प्रोजेक्ट। आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास बाई प्लस टाइम लगता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा कि जब भी हमारा किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम होता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में जाता है। तो सेल तो हमारा पहले से लगा हुआ है और परफेक्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हैव फैमिली और बेटर, तो हो जाएगा हमारा हैव कंप्लीटेड। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों का, ही वॉज ओनली जोकिंग एज ही ब्लैंक मेनी टाइम्स बिफोर, कह रहा है कि वह केवल मजाक कर रहा था क्योंकि उसने बहुत बार पहले कहा था। तो क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि आगे भी देखोगे तो पास्ट में है, तो आगे वाला भी अगर एक बार हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट में जाए तो बाकी के जो क्लॉजेस होते हैं वो भी पास्ट में ही जाते हैं। तो क्या हमारा हो जाएगा, हैड डन मेनी टाइम्स बिफोर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सुधा और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम, याद रखिएगा और के द्वारा जुड़े गए दो सब्जेक्ट में हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो बाद में आए हुए सब्जेक्ट या जो नियरेस्ट वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ब वर्ण है, इसके नियरेस्ट में हर ब्रदर्स है जो कि क्या है हमारा, प्लूरल है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को प्लूरल वर्ब चूज करना पड़ेगा और इन सभी में से प्लूरल कौन है, दैट इज आर। तो क्या हो जाएगा, सुधा और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन असैसिनेटेड, असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, कत्ल कर देना। तो देखो क्या कह रहा है, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, एंड के द्वारा जुड़े तो हैं बट चूंकि आर्टिकल हमारा एक ही बार में आया है, सिर्फ एक ही नाउन के साथ आया है, इट मीन्स दैट बोथ द नाउन्स आर द सेम वन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लीडर और जो पॉलिटिशियन है वो एक ही व्यक्ति, और अगर एक व्यक्ति हुआ तो वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। अब इसमें से चूज कर लीजिए तो आपको सिंगुलर वर्ब क्या मिलेगा, हैज बिन। तो क्या हो जाएगा, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज बिन असैसिनेटेड। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड टाइमली, न्यूज हमारा क्या होता है वो सिंगुलर होता है, तो जिस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इज द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। आई होप कि यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है मिस्टर यो ब्लैंक जेसी गुड एडवाइस बट जेसी डिड नॉट टेक हिज एडवाइस। देखो आगे जो है हमारा किस में आया, पास्ट में आया, अगर एक पास्ट में हो तो सारे किस में होंगे, पास्ट में। अब चूज कीजिए इसमें पास्ट में कौन है, हैड गिवन। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर यो हैज गिवन जेसी गुड एडवाइस बट जेसी डिड नॉट टेक हिज एडवाइस। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो सही है वो चूज करना है। तो देखिए है, व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी, एक अगर पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में होना चाहिए, इसलिए हमारा हो गया गलत। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, व्हेन आई हैड वोकन ही हैड ऑलरेडी एट द ब्रेकफास्ट, क्योंकि हैड है तो ऑलरेडी, हैड के साथ हमारा भी थर्ड होता है, ये भी गलत हो गया। आइए फोर्थ नंबर, व्हेन आई हैड वोकन अप, देखो एक पास्ट आया, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट दे रहा है तो ये भी गलत, बच कौन गया हमारा, ये जो कि हमारा एक सिंपल पास्ट है और दूसरा जो है उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। तो सही क्या होगा, व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ईच ऑफ द फोर आर्मी सोल्जर्स प्लान फॉर द मिशन, याद रखिएगा ईच और एवरी से जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं वो सारे के सारे जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब इसमें से अगर आप सिंगुलर चूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉज रेडी। तो सही आंसर इसका क्या है, आंसर नंबर सी, ईच ऑफ द फोर आर्मी सोल्जर्स वॉज रेडी फॉर द मिशन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, द थीप एंड द आई विटनेस। देखो यहाँ पे दो बार आर्टिकल आए, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, और अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हुआ तो जो वर्ब भर आ जाएगा वो हमारा प्लुरल होगा। अब देखिए यहाँ पे हैज़ भी सिंगुलर हैज़ बिन भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है, बचा हमारे पास क्या, हैव स्किप्ड, तो क्या हो जाएगा, हैव स्किप्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ब्लैंक ओवर टाइम। याद रखिएगा कि जब भी ऐसे सब्जेक्ट्स बनते हैं तो जब भी जो हमारा प्रीपोजिशन के पहले वाला होता है, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द क्वालिटी, जो कि है क्या, सिंगुलर, तो हमारा हो गया क्या, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज बिन डिग्रेडिंग, मतलब क्या हो गया, ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जो है जो प्रोडक्ट्स हैं उनके गुण क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कह रहा है कि जो फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर है तो पहले हमारा सेल विल चाहिए, चलो सभी में सेल विल है, परफेक्ट है तो हैव फैमिली चाहिए, तो हमारे पास हैव फैमिली कौन कौन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हैव फैमिली के बाद हमें क्या चाहिए, भी थर्ड चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दे शैल हैव अराइव बाई देन। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है ये डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आई एन जी आया हुआ है, और जब भी आई एन जी आता है तो वो कंटिन्यू हो जाता है, और चूंकि इसमें सेल भी हैव भी है और आपका कंटिन्यूअस फॉर्म भी, इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, आई ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। जरा इसको आप गौर से पढ़ोगे ना, देन यू विल नोटिस समथिंग हिडन इन इट। आई ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मतलब क्या कह रहा है कि वह सुबह से काम कर रहा था, इट मीन्स दैट कोई एक्शन था जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया, और वो अभी अभी खत्म हुआ, तो रिसेंटली खत्म हुआ है, इसलिए हमारा ये होगा पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जो पहले से एक दिए गए समय से चल रहा था, तो इसलिए हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड बिन, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या है, आई हैड बिन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रोहन ब्लैंक द मूवी बिफोर ही हैड रेड द रिव्यू। याद रखिएगा बच्चे लोग, लास्ट पास्ट यस्टरडे बिफोर हो तो वो हमारा होता है सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे तो देखो सिंपल पास्ट तो इस पार्ट में आ ही गया है, और अगर एक पार्ट हमारा सिंपल पास्ट में हो और एक काम पहले एक काम बाद में हो, तो जो काम हमारा पहले होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। पढ़ो क्या लिख रहा है, रोहन ब्लैंक द मूवी, मतलब रोहन ने पहले मूवी देखी थी, मतलब उसका जो पहला काम है वो मूवी देखने का, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, तो होगा क्या हमारा, हैड वॉच्ड, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ही ब्लैंक डेली फॉर अ ईयर नाउ। अब देखो ये कहना ये चाह रहा है कि कोई वैसा काम है जो पास्ट से लेकर के, मतलब बहुत पहले से लेकर अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, और ही हमारा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब चीज और चेक कीजिए इसमें, तो एक हमारे पास वॉज है, एक हमारे पास एक्सरसाइजेस है, और एक हमारा हैज बीन है, तो एक्सरसाइजेस तो इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट किसको डिनोट करता है, जो काम रेगुलर होते आया और हर दिन आगे भी फ्यूचर में होते रहेगा, और ये क्या करा, पहले से होते हैं अभी भी हो रहा, आगे कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट होगा नहीं, पास्ट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी, नाउ वर्ड जो होता है प्रेजेंट को डिनोट करता है, तो ये भी हमारा हो गया कैंसिल, बच गया कौन, हैज बीन एक्सरसाइजिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ही ब्लैंक इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि वह उसमें रह रहा है बट अभी भी जो है उसको जो है इंग्लिश बोलने के लिए जो है उतना कमांड नहीं हो पाया है, तो क्या होगा, वही कोई एक ऐसा काम है जो पास्ट से चल रहा था और अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हमारा क्या होगा, ही हैज बिन लिविंग, तो ऑप्शन नंबर बी, ही हैज बिन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ,
अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन रुपीज 100। अच्छा देखो, 2 डजन, तो 2 डजन जब वर्ड लग जाएगा तो कितने हो गए, 2 दर्जन। तो जो डजन वर्ड हमारा होता है वो प्लुरल को शो करता है, और प्लुरल को शो करने वाले के साथ हम लोग जो वर्ब चूज करते हैं वो क्या होता है, प्लुरल। तो होगा हमारा क्या, कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ फिर से कोई काम कर रहा है, कि कोई एक ऐसा काम था जो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, मतलब पहले बाद में स्टार्ट हुआ, और वो अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो हमारा हो क्या जाएगा, आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो हो जाएगा आई। देखो यहाँ पे दो तीन, अब देखो यहाँ पे सिंस जो है ना यहाँ पे पास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमारा है नहीं। तो अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है और सिंस फॉर फिर भी लगा हुआ है, तो हम लोग जो भरेंगे वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अगर हमारा यहाँ पे हैव बीन होता तो हम लोग हैव बीन भरते, हैव बीन चुकी नहीं है तो हम लोगों को हैड बीन, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा और वो काम पास्ट से चल रहा था। सो दिस इज द रीजन वी हैव चूजन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द काउंसिल ब्लैंक मेड इट्स डिसीजन। करा कि काउंसिल जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया। देखो काउंसिल हमारा जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, और ये एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के सहमत हो तो सिंगुलर, और अगर अपने विचारों में बट जाए तो प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, इट्स डिसीजन, मतलब अपना निर्णय ले लिया है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड भी आया ITS, इट्स, जो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो काउंसिल है वो सिंगुलर। तो अगर हमारा सिंगुलर हुआ तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आई ब्लैंक टू मिसेस सूज अबाउट योर मैटर, सी वॉन्ट्स यू टू सी हर एज सून एज पॉसिबल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसने क्या किया, इस मैटर को जो है कोई सूज नामक व्यक्ति है उनको बताया गया। तो बताया कब होगा, पहले बताया होगा। तो क्या कहेंगे, आई हैड स्पोकन, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई हैड स्पोकन टू मिसेस सूज अबाउट योर मैटर, और अब वह तुमसे मिलना चाहती है जितना जल्दी संभव हो सके। क्लास हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज आई ब्लैंक अलोंग द रोड 4 किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज ऑन द रॉन्ग रोड। देखो किस में आया है, पास्ट में आया है। अगर एक पास्ट में है तो उसके पहले वाला भी हमारा किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो क्या होगा, आई हैड ड्राइवन अलोंग द रोड 4 किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज ऑन द रॉन्ग रोड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो पहले 21 क्वेश्चन जो थे उनका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा और समझा है। अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो बनाने में, मतलब इन द सेंस ये हुआ कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, कि कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो आप लोग जो है वो कमेंट कीजिएगा। आई विल मेक अ वीडियो स्पेशली ऑन द टेंसेज, और इसमें हम लोग लगभग जो है ना 200-250 क्वेश्चन जो है वो टेंसेज के सॉल्व करेंगे ओनली इन द 4 डेज, मात्र 4 दिन में। पहला आपको 20 क्वेश्चन मिल गए, और आज आप लोग को जो है एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, और वो भी आपको जो है वो शॉर्ट्स के फॉर्म में इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 5 सेकेंड का एक पिक्चर वहाँ पे दिखता है, तो टोटल 4 पेजेस थे तो 20 सेकेंड हो जाते हैं। और अगर कोई 1 मिनट से भी कम रहता है तो यूट्यूब जो है उसको ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स में चेंज कर देता है। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन का जो है स्क्रीन शॉट लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग कल जो है ना कुछ इसी उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे समझेंगे, और जो भी अगर आपके डाउट्स रह जाएं आप उसको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन द कन्फ्यूजन एंड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। फिर भी अगर बहुत सारे डाउट्स बच जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए उस पर अलग से जो है वीडियो बना दूंगा, जिसमें स्पेशली आपके डाउट्स होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक सारे बच्चे के लिए हैव अ नाइस डे।